मैं लाहौर में बैठ के ये बात करूँगा, इससे बहुत अच्छे डोनर्स आपको लाहौर में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो इनके सैंडविचेज हैं, इससे बहुत अच्छे सैंडविचेज, बहुत अच्छी पनीनीज आपको पूरे लाहौर में मिल जाती हैं। मैं अगेन आपको बता दूँ, अगर मैं लाहौर के अलावा किसी सिटी में बैठा होता, गुजरावाला में बैठा, अपने शहर में बैठा हूँ, तो मैं वहाँ पर ज़रूर आपको कहता दिस इज़ दी बेस्ट चॉइस। जो सबसे ज़्यादा सिग्नेचर इनका आइटम है ना, जो ओवरऑल एक चीज़ मैं पहले ये भी बता दूँ, जो सिग्नेचर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है इनकी फ्रेंच वनीला। और फ्रेंच वनीला मोस्टली लोग जो है ना, वो आइस्ड या फ्रोजन फ्रेंच वनीला ही इसको ऑर्डर करते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं तो इसकी हॉट फ्रेंच वनीला पिए, आप वो आपको ज़्यादा मज़ा देगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टिम होटल एक्चुअल तो सबको पता चल गया कैनेडियन ब्रांड है, कैनेडा में मतलब ये QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है ना वो कहलाया जाता है, जो आपको वहाँ से बहुत सी जगह पर मिलता है। खैर मेरा दुबई और सऊदी में इसका एक्सपीरियंस है, कैनेडा का मुझे पता नहीं। उसके अलावा क्या कॉफ़ी के बारे में मैं बता दूं, कॉफ़ी में दो तीन ऐसी चीज़ें हैं, इसका जो रेगुलर एस्प्रेसो मेन्यू है जिसके अंदर आपको लैटे अमेरिकानो और मोका वगैरह मिलती हैं, इनमें कुछ प्रीमियम कॉफ़ीज ऐसी हैं जैसा कि पिस्ताशो और इनकी वाइट फ्लैट, जो आपको सिर्फ प्रीमियम शॉप पे मिलती हैं, वो आपको रेगुलर आम नहीं मिलती हैं, बाकी तो आपको सारी कॉफ़ीज आम भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद अगर इनके डोनट्स और पनीनी सैंडविचेस की बात करूँ, अगर मैं किसी और शहर में होता, मतलब मैं गुजरावाला में हूँ, तो मैं आपको कहता दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर मैं लाहौर में ये बात करूँ तो वो ज़्यादती होगी, लाहौर में आपको इससे अच्छे सैंडविचेस मिल जाते हैं, पनीनी मिल जाती हैं, और बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक कैनेडियन ब्रांड में बैठ के कॉफ़ी जो है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक वाइब है, मतलब एक कूल स्टेटस लगाने के लिए बैठे हैं आप दोस्तों के साथ, रात में आए हैं, काफ़ी इन्जॉय किया। हालांकि सारी दुनिया में काफ़ी का एक्चुअल मतलब होता है कि आप दिन में आपने काफ़ी से अपना दिन स्टार्ट किया और अपने आपको एक बूस्टर दिया है, और आप सारा दिन एक बड़ा एनर्जेटिक गुजारते हैं। हमारे यहाँ जनाब शाम को रातों को काफ़ी आगे पी जाती है, एक ट्रेंड बन चुका है। जो एक्चुअल काफ़ी लवर्स हैं ना, वो आज भी अपने बीन्स मंगवा के, खरीद के, इम्पोर्टेड उसको ब्लेंड करके ही काफ़ी यूज़ करते हैं। या फिर इनके कूलर्स हैं, कूलर भी आपको इनसे अच्छे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अच्छे नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनसे अच्छे आपको ऑप्शंस लाहौर के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपने अगर कूलर सैंडविच और पनीनी ट्राई करना है, सिर्फ इसलिए करना है कि आप टिम हॉर्टन के अंदर बैठ के एक वीडियो, एक पोस्ट, एक फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सके अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा इसमें कोई हटके चीज़ नहीं है, काफ़ी ज़रूरी इनकी ट्राई करें आगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी इनकी मुझे खुद पहली दफ़ा ये दुबई में एक्सपीरियंस हुआ था, तो मुझे अच्छी लगी, मतलब जो इनकी फ्रेंच वनीला है वो इनका सिग्नेचर भी है, तो एक मतलब ओबियसली जो सिग्नेचर है वो अच्छा भी होता ही है। इसके अलावा अगर सैंडविचेज़ वगैरह की बात करें, तो भाई इससे बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन लाहौर के अंदर, हमारे लाहौर के अंदर मौजूद हैं। मैं अगेन बता दूँ, किसी और शहर में मैं होता तो मैं आपको ज़रूर कहता, लेकिन अगर मैं लाहौर में खड़े होकर ये बात करूँ ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सैंडविचेज़ पनीनीज़ के लिए टिम होटल्स ट्राई करें। हाँ, आपने अगर एक सोशल स्टेटस दिखाना है अपना, और अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, और सिर्फ इसलिए कि आपने टिम हॉर्टन्स की फोटो अपलोड करनी है बैठ के, तो आप ज़रूर आएँ। तो अगर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।